सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपीडिया, नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स। देखिए, अक्सर स्टूडेंट्स का बेसिक मेरे पास मैसेज क्या आता है, या जब भी मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, दे ऑलवेज से सर तैयारी तो ठीक चल रही है बट एक दो नंबर की कमी है। वो आपको पता है वो एक दो नंबर कम क्यों है? अगर बेसिकली बात करें, वो एक दो नंबर नहीं, बहुत ज़्यादा नंबर कम है। बिकॉज अगर कट ऑफ क्लियर करने से ही आपको जॉब मिल सकती है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज तक जॉब ले सकते हैं, बट आपको कट ऑफ के साथ ना मेरिट भी क्लियर करनी है। मेरिट का मतलब क्या है कि एक अच्छा स्कोर होना चाहिए, कि अगर कट ऑफ आपकी 70, 65, 60 जा रही है ना, तो आपके कम से कम 75+ मार्क्स होने चाहिए, कि कोई कमी नहीं है। ये नहीं है कि अगर 60 कट ऑफ गई, आप कह रहे हो सर मेरे 58 थे, मेरा हो जाता दोनों, नहीं, गलत है। कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, जिनके 80 नंबर भी, 85 नंबर भी, बहुत सारे अभी मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, क्लियर, मल्टीपल जॉब्स लेके आते हैं, मल्टीपल दो दो डब्बे के, सर ये इसमें हुई, ये इसमें हुई, ये बताओ किस में लगें। तो मैं भी चाहता हूँ हर जो बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब किया हुआ है, चैनल को, वो जुड़े। और फीस भी कुछ नहीं, देखो अगर मैं बात करूँ बेसिकली कोर्स की, सिर्फ और सिर्फ कितनी, देखो मेरे पास 4999, जिसमें चाहे हमारा कोई नैब तहसीलदार का एग्ज़ाम आ जाए, ठीक है, चाहे स्टूडेंट्स फूड इंस्पेक्टर का आ जाए, चाहे कॉपरेटिव इंस्पेक्टर का आ जाए, चाहे पंजाब पटवारी, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल, चाहे पंजाब पुलिस SI, ये एक्साइज एंड टैक्सेस इंस्पेक्टर, स्टूडेंट कोई भी एग्जाम आए, सिर्फ और सिर्फ कितने में 4999 ओनली। स्टूडेंट फ्रेंडली एटमोसफेयर रहता है, और अभी वीडियो शुरू से ही बच्चों को पुश करता है कि आप पढ़िए, आप जॉब लगिए, क्लियर। तो ये एक इनिशिएटिव है कि बहुत कम फीस के अंदर आपको पूरे एक साल के लिए सब्सक्रिप्शन मिल रहा है पूरे पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स का, चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, डन। और आपको इसमें PDF मिलेगी, आपको इसमें वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी, आपको एक नंबर दिया जाएगा जिस पे आप कॉल करके अपने डाउट्स बता सकते हैं। कभी ऑफलाइन आना चाहें तो आप हमारे हेड सेंटर मोहाली में भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बट आप जुड़िए हमारे साथ तो पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एक की तरफ चलते हैं आज की कक्षा के, हमारे सेशन नंबर 24, क्लियर, होपफुली 23 आपने देखा होगा। द रेशियो बिटवीन अ 2-डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर इज 4:1। If the digit in the unit is 3 more than digit in the 10th place, what is the number? ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत बार किया हुआ है, ट्राई करो इसको जरा। देखो सबसे पहली बात कर दी स्टूडेंट्स मेरे को, द रेशियो बिटवीन अ 2-डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ द नंबर्स। देखो सम ऑफ द डिजिट्स, मैंने माना कोई XY मेरा नंबर है, इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे स्टूडेंट, 10x+y, क्लियर। इसकी रिप्रेजेंटेशन बेसिकली कैसे, 10x+y, यानी मेरे पास नंबर, यानी 10x+y/x+y = 4/1, समझ आ गई बात, / 4/1। यानी कहने का मतलब क्या, बच्चे बेसिकली गलती क्या करते हैं, वो XY/X+Y करते हैं, यहां पे वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, क्लियर। इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा मेरे पास, 10x+y = x+y, क्लियर, और इसका 4 टाइम्स, तो ये कितना आ गया, 10x+y = 4x+y, डन। सो 10x-4x = 4y-y, तो ये कितना हो गया, 6x = 4y। तो स्टूडेंट्स यहां से x/y कितना आ गया मेरा, 4/6, जैसे मैं क्या कह सकता हूँ, 2/3 थी x, 2k3 के ले लो। अब मुझे क्या बोल रहा है, वट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस 3 more than द, मतलब आपके पास क्या बोल रहा है, इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, मतलब XY था, y-x 3 है मेरे पास, यहां पे कितना है, k की वैल्यू कितनी आ गई, 3, k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, सॉरी यहां कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, यहां पे 3 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, यहाँ 3 आएगा 3y, ठीक है, 6x = 3, तो x/y कितना आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास, 1/2, तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, तो नंबर इज 3 and 6, दैट इज 36, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी मेरे पास बिल्कुल सही आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए इजी क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है मेरे पास स्पीड टाइम डिस्टेंस का ट्रेन का रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट, ठीक है। 2 trains ऑफ सेम लेंथ आर रनिंग इन पैरेलल ट्रैक्स, मतलब 2 ट्रेन है सेम लेंथ, मतलब आपके पास लेंथ ऑफ ट्रेन, मैंने लेंथ ऑफ ट्रेन 2 दी हुई है, ठीक है,
टू ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ आर रनिंग इन पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन वन इज 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ ट्रेन टू इज हाउ मच 90 किलोमीटर पर रिस्पेक्टिवली, द लेटर कंप्लीट क्रॉसिस द फॉर्मर, मतलब बाद वाली पहले वाली को 30 सेकंड में कवर कर रही है, और डायरेक्शन देखो क्या है, सेम डायरेक्शन, क्लियर। इसका मतलब मेरे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, मेरे पास स्पीड ऑफ ट्रेन वन माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन टू और किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ वन और टू क्या है मेरे पास, ये जो बड़ी स्पीड ऑफ वन है, जो छोटी है टू है, मैंने किसी को वन टू नहीं बोला था, क्लियर। चलिए तो इसके हिसाब से यहां मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे, क्लियर। चलिए स्टूडेंट, चलो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन वन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन टू, ठीक है। और ये क्या है मेरे पास, इसको एस मान लो, इसको भी एस मान लो, इसको भी एस मान लो, तो 2x हो गया, 2s इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी मेरे पास, 90 माइनस 60 इंटू 5 बटे 18, क्योंकि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में भी आपको चेंज करना पड़ेगा, जब भी आप कर सकते हैं, इंटू टाइम इज 30 सेकंड, तो कितना है 30 इंटू 5 बाई 18 इंटू 30 थी 18 6 पंजा 30 10, तो 10 गुना 5 गुना 5 25 गुना 10 कितना होगा 250 मीटर इज इक्वल टू 2s, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 125 मीटर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, चैनल और वीडियो और आपके लेक्चर को, क्लियर। जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी चलेंगे। एमसीक्यूज करिए, एमसीक्यूज करने से ही बात बनेगी, बता रहा हूँ मैं आपको अभी भी, ठीक है। चलिए, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया है, 7 2/3 प्लस 9 7/12 प्लस 11 3/4 माइनस 6 1/2 कितना दिया बताओ, कितना है 25 3/5 22 1/5। देखो मैं इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को कर रहा हूँ माइनस, अब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो कहाँ, अगर आप डिनोमिनेटर में देखोगे 3 12 4 2 तो यहाँ पे एलसीएम 12 आ रहा है, तो 12 को ऐसा कोई नंबर नहीं काटता जो 5 बनाएगा, समझा की बात, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया इन दोनों ऑप्शन में से, देखते हैं क्या है। चलो 7 2/3 प्लस ऑफ 9 7/12 प्लस ऑफ 11 3/4 माइनस 6 1/2 मुझे ये फाइंड आउट करना है ये कितना आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो एक ऑर्डर में, कैसे लिखेंगे, 7 21 23/3 प्लस 12 108 115/12 प्लस 44 प्लस 347/4 माइनस 13/2 क्लियर। अब आपके पास डिनोमिनेटर में देखो क्या क्या नंबर्स, आपके पास, आपके पास 3 है, आपके पास 12 है, आपके पास 4 है, आपके पास 2 है, तो लेट टेक देयर एलसीएम, तो उनके एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट 12 आ गया, क्लियर। अब ध्यान से देखो ऊपर क्या क्या लिख रहा हूं मैं, देखो 3 4 से काटेगा 12 तो 23 × 4 मैं पूरा लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को एक्चुअली पता चले कि एलसीएम को हम इक्वेट कैसे कर रहे हैं, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है इसके लिए। चलिए 12 है, 12 से 12 कटा 115 गुना 1 प्लस 4 थी 12 तो 47 × 3 माइनस 13 6 सो 13 × 6 ये 4 कहाँ से आया, जब 3 को आपने 12 बटे तो आपने 3 किया 12 यहाँ पे 1 आया इंटू एक्चुअली 1 आई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 4 है, ये 3 क्यों आया क्योंकि 12/4 3 होगा, यहाँ पे 6 क्यों आया 12/2 कितना होगा यहाँ पे 6 होगा, क्लियर। ये एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल था। तो 23 × 4 कितना हो गया मेरे पास, पहले डिनोमिनेटर नहीं लिख रहा मैं न्यूमिनेटर लिख रहा हूँ, 92 प्लस 115 प्लस 4 3 12 7 3 21 4 3 12 7 3 21 121 141 माइनस ऑफ कितना 70/12 यही है मेरे पास, क्लियर। 92 प्लस 115 4 3 12 और 7 3 21 141 माइनस ऑफ 70 ये मुझे फाइंड आउट करना है। देखो 92 प्लस 115 कितना हो गए, चलो पहले 92
प्लस 115, 15 इसमें जोड़ दो कितना हो गया, 5, 107, 207 हो गया ये, अगर मैं सही जा रहा हूँ तो 15 इसमें जोड़ोगे, 5, 207 हो गया, प्लस 141 माइनस 78, 78 और 22 कितना हो गया मेरे पास, 100, 63 बाय 12, यानी ये कितना है मेरे पास, 270/12, तो 3 चौके 12, ये कितना गया, 45/2, यस, यानी कितना 22, 1/2 इज द राइट आंसर, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं सिंप्लीफिकेशन के, और बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन है, क्लियर। जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, देन वील मूव टूवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से करिए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है जानते, मुझे लग रहा है अभिषेक स्टार्टेड अ बिजनेस, मैं अभी भी कह रहा हूँ पेपर इन्हीं में से आ जाएगा, फिर मत कहना कि सर ये किया वो किया, सेशन रह गया था वो सेशन रह गया था, पेपर यहीं से आएगा, बता रहा हूँ अभी मैं। अभिषेक स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹50,000, आफ्टर 1 ईयर ही इन्वेस्टेड अनदर ₹30,000 एंड सुधीन ऑल्सो ज्वाइंट हिम विद अ कैपिटल ऑफ 70,000, 1 साल के बाद ही जब उसने 30,000 इन्वेस्ट किया, उसी टाइम सुधीन ने भी क्या किया, अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कितना 70,000, क्लियर है। इफ द प्रॉफिट अर्न इन 3 ईयर्स, तो टोटल टाइम कितना दिया मुझे, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस वॉज 87,500, 87,500, देन फाइंड द शेयर ऑफ सुधीन इन द प्रॉफिट, बताओ जरा क्या आंसर है, क्या आंसर होगा। देखो सिंपल है, कोई ज्यादा खींचतान नहीं है क्वेश्चन में, चलिए देखिए जरा अभिषेक की बात करेंगे। अभिषेक ने क्या किया, पहले 50,000 1 साल के लिए लगाया, फिर क्या किया, फिर उसने आफ्टर 1 ईयर इन्वेस्टेड 30,000, यानी 30,000 लगाया अगले 2 साल के लिए, समझ आ गई बात। तो ये कितना हो गया, अगर बात करूं 60,000 प्लस 50,000, कुछ ऐसे ही हुए, यही टाइम है। चलिए अगर मैं नेक्स्ट बात करूं सुधीन की, उसने क्या किया, 70,000 लगाया 2 साल के लिए, यही किया। अच्छा अब प्रॉफिट दिया है मुझे 87,500, ठीक है। अच्छा ये इसको 80 करो जरा, क्योंकि 50,000 लगाए हैं तो उसने क्या किया, 30,000 अनदर 30,000 बोला है, तो 50,000 के साथ 30,000 जोड़ दिए तो 80,000 हो गया, तो ये कितना हो गया, 1,60,000 और 50,000, 2,10,000, 2,10,000 7 × 2 = 14, यानी 1,40,000, 4 से 4 कटा, 7 × 21, 7 × 2 = 14, तो 3:2, इज दैट क्लियर। अब क्या बोल रहा है वो, अब टोटल प्रॉफिट 87,500, यानी मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट की रेशो वही क्या रहती है स्टूडेंट्स, मेरे पास वही मेरे पास प्रॉफिट की रेशो रहती है, क्लियर। तो यहां से मैं कह सकता हूं 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट की वैल्यू की 87,500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 87,500/5, तो ये कितना आ गया देखो, 17×85, 17,500, तो मुझसे क्या बोल रहा सुधीन, सुधीन क्या है 2, तो 2 × 17 = 34, और ऑप्शन नंबर ई 35,000 वॉज द राइट आंसर, जल्दी से नोट कीजिए इसको, 35,000 बिल्कुल सही आंसर था इसका, वन ऑफ दिस, क्लियर, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, इनमें कोई कॉन्सेप्ट आपको पता है बिल्कुल ईजी सा लग रहा है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगाना, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, क्लियर। नोट कीजिए इसको फटाफट, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1,890, इफ 12.5% ऑफ नंबर ए वन ऑफ वन नंबर इज 17.5% ऑफ द अदर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स, बताइए क्या नंबर्स होंगे, बताइए नंबर्स क्या होंगे, बताओ बताओ नंबर क्या होंगे। देखो मेरे को डिफरेंस ऑफ टू नंबर, मैंने माना मेरे पास एक नंबर एक्स है एक नंबर वाई है, ठीक है। अच्छा डिफरेंस ऑफ टू नंबर यानी एक्स माइनस वाई कितना है मेरे पास, 1,890, तो आप यहां से देख सकते हो 1,890 किस किस का आ रहा है, तकरीबन तकरीबन सबका ही 1,890 लग रहा है मुझे तो, ठीक है।
डी ऑप्शन तो खत्म कर दो, इसमें 90 आ ही नहीं सकता, ठीक है। सी वाला भी खत्म कर दो, 58 3000 के आसपास का डिफरेंस लग रहा है, 2500 के आसपास का, इसमें 1800 जोड़ोगे तो 4000 के केवल आएगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है 3780 प्लस, हाँ ये हो सकता है। तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गए, ये ऑप्शन बचा और नन ऑफ दिस बचा, तो लेट मी चेक इट कौन सा सही है। ए 12.5% ऑफ वन नंबर है 17.5% ऑफ अनदर नंबर, यानी देखो 17.5%, यानी आप ऐसे लिखोगे 17.5/100 ऑफ ए इजिकल टू 12.5/100 ऑफ बी। अच्छा पहले ये 12.5, पहले मेरे पास 12.5 है, यानी 12.5/100 ऑफ ए इजिकल टू 17.5/100 ऑफ बी। ये होगा, दोनों को काट को जरा, तो कितना आ गया, पॉइंट से पॉइंट गया, ए बटा बी कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास 175/125, तो 25×125 7, तो 7/5 आ गया, इसको 7p 5p बोल सकता हूँ मैं। यस दैट वाज वेरी इजी, एक अगर एक वैल्यू लेने से मेरा आंसर जल्दी बन रहा था, मुझे क्या दिक्कत है, यानी इसका डिफरेंस कितना है 7p-5p इज हाउ मच 1890, यानी 2p की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1890, पी की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 945, पी की वैल्यू 945 आ गई। तुमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द टू नंबर्स, तो पहला कितना 7p 7 × 945 6300, 7 × 4 28, 7 × 5 35, 5 × 11 1 3 2 5 1 6 6615 है। यस तो सेकंड नंबर भी यही होगा फिर मेरे पास, दूसरा कौन सा 5, अगर 5×945 करें तो 9 × 45 225, ऑप्शन नंबर बी 4750 6615 इज द राइट आंसर। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया, जल्दी से कर दीजिए नहीं किया तो। नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो आंसर वाज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ मैथमेटिक्स एग्जाम आ स्टूडेंट्स को 30% इन द फर्स्ट पेपर आउट ऑफ टोटल 180 क्वेश्चन लिखना चाहिए, नहीं कि पहले जो पेपर था 180 क्वेश्चंस थे, उसमें से उसने क्या किया 30% सही किए, ठीक है। अच्छा हाउ मच परसेंटेज शुड ही स्कोर इन द सेकेंड पेपर आउट ऑफ 150 इफ ही इज टू गेट एटलीस्ट 50% मार्क्स ऑल ओवर। ऑल ओवर का मतलब क्या होता है कि दोनों को मिला के, याद रखिए ऑल ओवर का मतलब क्या होगा, दोनों को मिला के। देखिए पहला आप कितना है 180 क्वेश्चन है, मैंने माना 180 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एक मार्क्स का है, तो यहाँ पे टोटल कितने मार्क्स हुए 180 मार्क्स हो गए। अच्छा इस पेपर में उस स्टूडेंट ने क्या किया इसका 30% यानी 54 मार्क्स, ठीक है, यानी यहाँ पे मेरे कितने सिर्फ और सिर्फ 54 मार्क्स है। अच्छा दूसरा पेपर कितने नंबर का है 150, यानी टोटल मेरे पास 330 नंबर हो गए, इस 330 का कितना चाहिए मुझे 150% यानी 1/2, यानी मुझे चाहिए 165 मार्क्स, मतलब टोटल मिला के मुझे 165 चाहिए, यानी यहाँ पे अगर m मार्क्स चाहिए तो उनको मिला के कितने चाहिए मुझे 165, तो m के पास कितने मार्क्स हैं 160 - 54 यानी कितना कि 111 मार्क्स हैं। यस 111 मार्क्स उसने एक्वायर किए, क्लियर, तो यानी 111 मार्क्स आए, कितने में से 180 में से, यानी 111 मार्क्स आए 150 में से, नॉट 180, 150 में से, मैं गलत लिख गया, यहां पे ऐसे है, तो कितना आ गया 111 कितने में से 150 में से गुना ऑफ 100%, 5 × 15 × 5 = 10, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, आंसर इज 74% ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, दैट वाज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, जो बेस्ड अपॉन आवर मार्क्स और परसेंटेज का क्वेश्चन था सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी बचे हैं हमारे क्वेश्चन में। क्लियर, जैसे कि ये क्वेश्चन, जेनिलिया ब्रॉट सम स्टेशनरी आइटम्स एट द रेट ऑफ 541 रुपी एंड एन इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स एट द रेट ऑफ 441 रुपी, शी मिक्स्ड बोथ द
टाइप ऑफ आइटम एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 942 रुपीज। इन द ट्रांजेक्शन शी बोर अ लॉस ऑफ 3 रुपीज। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम परचेज बाय हर। ये क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। ये है मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस है, जल्दी से करिए इसको। देखो, जनरली ब्रॉड सम स्टेशनरी आइटम एट द रेट ऑफ 541 रुपी। यानी मैं बोलूँ 5 आर्टिकल फॉर 1 रुपी। क्वेश्चन का पैर पकड़ो, बेस पकड़ो कहाँ पे, ठीक है। एंड इक्वल नंबर ऑफ आइटम एट द रेट ऑफ 441 रुपी। यानी 4 आइटम कितने के, आर्टिकल 1 रुपी के। बट क्वेश्चन में क्या बोला, इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। उसने कुछ लॉट खरीदा अलग अलग प्राइस पे, ऐसा नहीं कि 5 ही आर्टिकल खरीदे। तो इसको कीजिए आप 4 से मल्टीप्लाई और इसको कीजिए आप 5 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया, 20 आर्टिकल कितने के, 4 रुपए के। 20 आर्टिकल कितने के, 5 रुपए के। समझ आ गई बात। अच्छा, इसका मतलब बेसिकली मेरे पास 40 आर्टिकल कितने के आए होंगे, 40 आर्टिकल 9 रुपीज के मैंने खरीदे होंगे। अब क्या कह रहा है वो, ये तो क्या कॉस्ट प्राइस, यानी 40 आर्टिकल कितने के, 9 रुपीज के। अब क्या कह रहा है वो, 942 रुपीज, यानी 9 आर्टिकल 2 रुपए के, ठीक है। यानी इसको करो जरा आप 9 से मल्टीप्लाई, इसको करो आप 40 से मल्टीप्लाई। बिकॉज जितने खरीदने उतने तो मैं बेचूंगा, जब तो बात बनेगी। जब जितने खरीदे हैं उतने नहीं बेचोगे तो आपको कैसे पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअली का। तो कितना हो गया, 360 आर्टिकल कितने के हैं, 81 रुपीज़ के। 360 आर्टिकल कितने के आपके, 80 रुपीज़ के। यानी यहाँ पे एक्चुअली लॉस कितना हुआ मुझे, मतलब इतने ही खरीदे इतने ही बेच रहे हो आप, यहाँ पे लॉस कितना हुआ, एक आर्टिकल का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बोला, 3। यानी कितना, 3 गुना। तो डेफिनेटली ये भी 3 गुना होगा, 360 गुना 3, हाउ मच, 1080 1080। ऑप्शन नंबर बी वॉज द राइट आंसर, क्लियर। सो दैट वॉज वेरी प्रिटी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिन्हों के अंदर बढ़िया क्वेश्चन सीखा, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो को। जल्दी से नोट कीजिए इसको, नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बहुत और सबसे सुपर क्वेश्चन बोलूंगा मैं तो आज की क्लास का, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलिए, क्लास ए हैज बॉयज टू गर्ल्स इन द रेशियो 2:3, क्लास बी हैज गर्ल्स टू बॉयज इन 5:3। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए इज एट लीस्ट ट्वाइस एज मैनी एज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बी। यानी ए के जो बच्चे हैं वो कम से कम 2 गुने तो बी के, ए के बच्चे हैं 2 गुने बी के। वट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बॉयज वेन बोथ क्लासेज आर कंसिडर्ड टूगेदर, बताइए। देखो सिंपल सी बात, एक ही बात करें, बॉयज टू गर्ल्स दिए, बॉयज टू गर्ल्स कितना दिया मुझे, 2:3। बी की बात करूं, बॉयज रेशो गर्ल्स किस में दिए, देखो इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए एटलीस्ट, नहीं ये वाला सॉरी, क्लास बी हैज गर्ल्स टू बॉयज, देखो इसको गलत मत लिख देना, गर्ल्स टू बॉयज, यानी कितना, 5:3, क्लियर। तो सबसे पहली बात क्या है, ये कितना है मेरे पास, ये मेरे पास है 5 और ये मेरे पास 8। तो इसको पहले बराबर बनाओ, इसको करो 8 से, इसको करो 5 से, 8 × 16, 8 × 3 = 24, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, क्लियर, बराबर हो गया। तो इसको 2 गुना कर दो, ये तो बोला क्वेश्चन में, 2 गुना करो, इसको कितना हो गया, 32 48 15 25। देखो ये कितना आ गया मेरे पास, 5 × 2 = 7 3 × 1 = 4, 47 बॉयज हो गए, नंबर ऑफ गर्ल्स 8 × 5 = 13 3 × 4 = 6 73। तो ये कितना हो गया, 47 × 7 = 11 12 120। यानी कितना होगा, 47 आउट ऑफ कितना, 120 × 100%। ये मुझे निकालना है, वो ये पूछ रहा है कि टोटल बॉयज कितने, टोटल नंबर ऑफ, अब क्लास के अगर दोनों क्लास के स्टूडेंट्स को मिला दूं तो नंबर ऑफ बॉयज कितने, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए और मुझे आंसर बताइए। देखो 0 से 0 कितना बचा, 470/12%। ये कितने से कटेगा, देखो 7 × 4 = 11, 2 से कटेगा 6, 235 by 6%। ये कितना आ गया, 40, देखो 40% होता थोड़ा सा कम है, ये कितना है, 240 - 5/6%। तो ये कितना हो गया, अगर आप बेसिकली देखोगे 240 by 6 - 5/6%, 1/6 होता 16.66 और ये होगा 83.33। तो ये कितना आएगा, 40%, मैंने एक्चुअली करके दिखा दिया, 40% माइनस ऑफ
0.83%. तो ये कितना आ गया 39.17%. थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं 39.17% ऑप्शन नंबर सी वॉज द राइट आंसर. क्लियर. तो दैट वॉज वेरी ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम अभी पीडिया. क्लियर. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए. और मैं अभी भी बोलूंगा, देखो हमेशा अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो कि आप कर सकते हो. होता क्या है अक्सर, कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने कुछ पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं क्वांट पढ़ रहा हूँ, मैंने बड़े सारे क्वेश्चन देखे, मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, है ना. मैंने 10 क्वेश्चन किए, मेरे 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, मैं कह रहा एक भी सॉल्व नहीं हुआ. तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक डाउट होने लग जाता है, यार क्या मैं कर भी पाऊंगा या कर भी पाऊंगी. अपन ये नहीं सोचना, आपा की सोचना है, आपा करना है, आपा छड़ना किसे हाल च नहीं. अपने को और कोई ऑप्शन नहीं है. बिकॉज नौकरी लगोगे तो फ्यूचर अच्छा रहेगा आपका. क्लियर. अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर नंबर कम आ रहे हैं, इंप्रूव नहीं हो रहा. आप गलती क्या करते हो बार बार, आपको पता है जो नंबर आपके कम आ रहे हैं ना, आप उनसे सीख नहीं रहे. बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप नंबर तो कमा रहे हैं कोई बात नहीं, बट जहां पे मार्क्स कट रहे हैं या नेगेटिव मार्किंग हो रही है, या जहां पे नंबर कमा रहे हैं जिसके क्वेश्चन नहीं हो रहे, आप उस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हैं. बेसिकली यहां पे स्टूडेंट बहुत बड़ी भारी गलती करते हैं. तो होना क्या चाहिए, उनको एक अच्छे लेवल की तैयारी करनी चाहिए. सपोज करो मेरे क्वांट में परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो परसेंटेज का चैप्टर पकड़ो और धो डालो सारा चैप्टर. क्लियर. कमेंट सेक्शन में लिखो अगर कि पर्टिकुलर चैप्टर करना है, मैं हम मेरी टीम पूरी कराएगी. तो ऐसा नहीं है, हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ते हैं, कि लाइक एक शेयर पे हम जाते हैं. क्लियर. चलिए नेक्स्ट देखिए. स्टूडेंट कोई भी एग्जाम हो अपना, पावे नैब तहसीलदार एग्जाम ला लो, चाहे फूड इंस्पेक्टर का, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का, चाहे पंजाब पटवारी का, पंजाब पुलिस कॉन्स्टेबल हो, पंजाब पुलिस SI एक्साइज या टैक्सेस इंस्पेक्टर, कोई भी एग्जाम हो. फीस कितनी अपने को, सिर्फ 4999, सिर्फ और सिर्फ इतनी फीस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पे करना. इसमें क्या मिल रहा है, पूरे साल के लिए आपको लेक्चर्स मिलेंगे, PDFs मिलेंगी, ठीक है, मेंटरशिप मिलेगी. आपको कोई नया एग्जाम आने वाला अगर हमें पता चलता है, हम आपको गाइड करेंगे, नोटिफिकेशन तो आएगी बट आपको ही बताएंगे. क्लियर. और ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऑनलाइन एडमिशन लिया तो ऑफलाइन आप डाउट्स लेके नहीं आ सकते, आप कभी भी आ सकते हो, पूछ सकते हो, कोई चिंता परेशानी वाली बात नहीं. क्लियर. बट आपको डेडिकेटेडली जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ और चीज़ों को मूव होते देखना पड़ेगा. क्यों, मूव होने का क्या मतलब है, आपको चीज़ों को लगातार 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 आगे लेके चलना पड़ेगा, इसी तरीके से सिलेक्शन होगी. क्लियर. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए. सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए. थैंक यू.